أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد ثناء الله جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعدا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعہ اندر جڑا درس و تدریس دا تعلیم و تعلم دا سلسلہ ہے انو اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے پچھلا جمعہ جناب نے فلسفہ قربانی قربانی دی اہمیت دے بارے کہ قربانی دا یہ سلسلہ کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھیا ہے ہر قوم اندر قربانی ہوندی ہے قربانی تو بغیر کوئی قوم بھی اپنے مقصد اور اپنے ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکتی اس واسطے اور آج دا اعلان ہویا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا موحدانہ کردار سبحان اللہ دیکھو اللہ دے قرآن اندر جگہ جگہ تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے تذکرے نے لیکن آج میں دو تین یا چار مقامات تو قرآن پاک دی تلاوت کرانگا اور وضاحت نال انشاءاللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا موحدانہ کردار اللہ دے فضل نال بیان ہوئے گا میرے پیارے بھائیو اگر توحید نہیں تے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکاة ہے کوئی عمل قابل قبول نہیں اگر تیرے عقیدے دے اندر شرک جیسی چیز داخل ہو گئی اللہ دی توحید سبحان اللہ اس انو چاہید ہے کہ علماء خطباء موائزین جتنے بھی بیان کرنے والے ہیں جی مدرسین نے تدریس دے اندر پڑھانے والے اور اسے طریقے نال ہیں جی اپنے واز اندر اپنے خطابات اندر اپنے بیانات اندر یہ بات توحید نہیں پولنی چاہی دی اسی لوگ توحید پول گئے جس طرح بچہ بیان کر رہا سی کہ سابقہ علماء زیادہ توحید بیان کر دے سن لوگاں دے عقیدے درست ہوں دے سن ہون
खतीब वो कुछ बयान करते ने जेड़ा लोग चाहते ने, लोग चाहते ने। जे खतीब अपनी मर्जी नाल, हालांकि खतीब पिछले जो वे दसे है अपनी मर्जी का मालिक होंदा है, खतीब अगर लोगों के पिछे लगे तो खतीब किस बात का? आलिम नू चाहिए है कि लोगों नू अपने पिछे लावे। क्यों जी? बयान वो चीज़ करे जिहड़ी फायदामंद होवे, ते जाए कि बंदा जिवें आवाम खुश होंदी, आवाम जिहड़ी बात से आवाम खुश होवे वही बयान कर लग जाए। ये कतन किसी तौर पर कभी भी नहीं हो सकता कि एक बंदा जेन लैके आंदा यार मैं शेर ही शेर सुनने ने, एक बंदा जेन लैके आंदा यार मैं कुरान ही कुरान सुनना है, एक बंदा जेन च लैके आंदा मैं हदीसा ही हदीसा सुनिया ने, एक बंदा जेन च लैके आंदा ना कुरान सुनना तो ना हदीसा सुनिया ने ते ना जनाब शेर सुनने ने। मैं तो कोई लैक्चरार किस्म का बंदा हो, लैक्चरार किस्म का बंदा हो जिवें लैक्चर देईदा है, इस तरह लैक्चर देवे जिहड़ा वह मैं सुनना। क्यों जी? इस तरह तो नहीं हो सकता। हर बंदे दे ज़हन दे मुताबक बयान कदे भी नहीं हो सकता। जिहड़ा इह ज़हन लैके आंदा कदे भी कुछ नहीं हासिल कर सकता, कदे कुछ नहीं उहदे पल्ले पिया जिहड़ा ज़हन पहले ही बना के आया। क्यों जी? अल्लाह दे बंदे हो, ज़हन ये बना के आओ अल्लाह दे कुरान चो या मेरे नबी दी हदीस चो, अगर उन्हां दा तर्जमा कदे कदे शेर नाल भी हो जाए तो असी जो बात कुरान और सुन्नत दे विचों समझ आनी है उहदे ते असी अमल करना है। अकीदा जो कुरान ने दसना है, जो खतीब बयान करेगा उहदे मुताबक अकीदा बनाइए, जो अमल की तरगीब दिलाएगा उहदे मुताबक अमल करिए, फिर कुछ हासिल कर सकेगा। वरना उत्थे दा उत्थे ही रहना, भावें 20 साल नहीं भावें 50 साल गुजर जाण, कुरान दी सुनदा भी पिया बसीता जुमे भी पढ़ता लेकिन पल्ले कख नहीं। एक लम्हे वास्ते एक इंच भी सूतर भी एक वाल बराबर वो अगे पिछे नहीं होंदा जिथे डटिया डटिया बस। एक आदि बंदे नू हर दिन अपने आप नू इसलाह अपनी करनी चाहिए, अल्लाह के करीब ज्यादा होना चाहिए, तौहीद अंदर ज्यादा पक्का होना चाहिए, सुन्नत के करीब ज्यादा होना चाहिए। बंदा मसला पूछता है, कहिंदा कारी साहब मोहतरम दसो कि कट्टे की कुरबानी जायज़ है कि नहीं। मैं आख्या यार इस बहस क्यों पैने, जायज़ होने के बावजूद बाज़ उलमा दे नज़दीक जायज़ भी है, जायज़ होने के बावजूद जिहड़ी बात शक वाले पासे चली जाए तो उधरों क्यों नहीं रुकते? जिहड़ी बात पक्की होवे पक होवे जिधर उधर क्यों नहीं जाते? ऊंट अगर च नहीं मिलता तुहानू है जी, गाय वगैरह नहीं मिलती, गाय बैल नहीं मिलते, बकरी है जी बकरा छतरा नहीं मिलता, तो किसी ऐसे इलाके चले गए को जवाज उत्थे ते जवाज का मसला लभो। लेकिन जदों मंडियां भरिया पड़ियां चीज़ां जिन जिन्हां चीज़ां दियां कुरबानियां प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीतियां तो फिर उत्थे सुन्नत दे करीब रहना ज़्यादा बेहतर। प्यारे नबी ने कट्टे की कुरबानी नहीं की, माझे जानवर की कुरबानी नहीं की, असी भी नहीं करते। क्यों जी? सुन्नत के करीब जितना रहोगे उतना ही फायदा होएगा। शाक वाले पासे क्यों जाना? असी लोग एवें ही जवाब एवें ही मसले घटते रहने, एवें ही पूछी जाना ए जायज है ए जवाब नहीं लभना। तकवे दिए ये निशानी है अहले तकवे वाले की, वो जवाब नहीं ढूंढते, वो पक्कियां बातों के उत्ते डट जाते ने, सुन्नत के ज्यादा करीब रहते हैं, तो अल्लाह उन्होंने तकवे वाली दौलत नसीब फरमा। समझ आई ना बात? तवज्जो फरमाना, सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा मुवहदाना किरदार जिहड़ी आयत खुतबे अंदर पढ़ी है पूरे दे पूरे मेरे खिताब दा है जी वह महवर ते मरकज होएगा। अल्लाह अकबर, इधर वेखना फरमाया जी, वइज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बुहू बिकलिमात, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَدِ رَبْ نے चंद बातां नाल कलिमात भी कलिमात यानी चंद कलिमात नाल अजमाया अपने नबी इब्राहिम की अजमैश की। वो कलिमात केड़े ने? यानी नमरूद के नाल मुनाजरा
अग दे अंदर फेंकिया जाना, क्यों जी? अपने बेटे इस्माइल दी कुर्बानी करना। अल्लाह अकबर। बड़िया बड़िया गल्लां ते वड़िया वड़िया गल्लां। सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अजमाया कि मेरे आके कितना कि मेरे कहन ते चलदा है मेरा पैगंबर। अल्लाह अकबर। इस कदर इम्तिहान ते इम्तिहान, नवे नवे ते बड़े बड़े वड़े वड़े इम्तिहान आता है। अल्लाह कहता है मैं तू नहीं आख रहे, अल्लाह कहता है फातम मैं उल फरमाया 100/100 नंबर लेके सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पास हो गए पूरी दुनिया चो, पूरी दुनिया चो। हाँ, अव्वल पोजीशन लई, फर्स्ट पोजीशन ते आए। सुभान अल्लाह। इतने ज्यादा नंबर रूए जमीन ते सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते बराबर किसे दूसरे दे नंबर नहीं। मार्क नंबर इतने लै नंबर 100/100 नंबर लेना कोई मामूली बात ते नहीं ना। अल्लाह अल्लाह कहता है मेरिया गल्लां नू फअतम्मुन, मेरे इब्राहीम ने बिल्कुल पूरा फरमाया। अजमैशां कीतियां, अजमैश ते पूरे उतरे चंद बातां नाल, चंद गल्लां नाल अजमाया, अजमैश ते पूरे उतरे। आसमान वाले ने ऐलान कर छड़िया, قال إني جاعلك للناس إماما। जा जा मेरे सोने खलील, लोगों का तुहानू इमाम बना छड़िया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले केंद्रे वमिन दुर्रियति, केंद्रे अल्लाह मेरी औलाद नू भी। हाँ, इत्थे एक मसला तौहीद दा निकलदा है जी। केंद्रे ने वालदैन नू अपनी औलाद दा कितना फिक्र होया करदा है। सय्यदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अपनी औलाद दे बारे दे अंदर कितने फिक्रमंद ने। अल्लाह ने फरमाया मेरे इब्राहीम जा, लोगों का इमाम बना दिता गया है, क्योंकि अजमैश पूरे उतरे ना। जेड़ा नंबर ज्यादा लवे, क्यों जी? नंबर ज्यादा लवे उनको पोजीशन मिलती है। पोजीशन होल्डर नू बड़े बड़े स्कॉलरशिप भी मिलिया करते ने, बहुत बड़े बड़े इनामात भी मिलिया करते ने। अल्लाह करीम ने इनामात इनाम के तौर पर फरमाया قال إني جاعلك للناس إماما, सारे लोगों का इमाम बना छड़िया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते ने قال ومن ذريتي, मेरी औलाद नू भी इमाम। अल्लाह फरमाया قال لا ينال عهد الظالمين, फरमाया ना 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 मेरे सोने खलील, जेड़े जालिम होणगे, शिरक करन वाला जालिम है ना। क्यों जी? إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह फरमाते ने मुशरिक लोगां वास्ते जेड़े जालिम लोग होंगे उन्हां नाल साडा वादा कोई नहीं, उन्हां नू इमाम बनाना नहीं। हाँ, नबी ज्यादा क्यों ना होवे, नबी दा बाप क्यों ना होवे। सुनोगे अज दे खिताब अंदर,
है जी बड़ा जनाब बड़े बहुत बड़ा इज्जतां वाला है जी नबी उच्ची शान वाला नबी उच्चे मुकाम वाला नबी अजमत वाला नबी दा बड़ा बुलंद मुकाम होया करता है। इतने बुलंद मुकाम वाले दा बेटा क्यों ना होवे बेटी क्यों ना होवे बीवी क्यों ना होवे इतने अजीम मुकाम वाले दा बाप क्यों ना होवे माँ क्यों ना होवे अगर तौहीद नहीं पल्ले दे अंदर वो जालिम ते मुशरिक है। अल्लाह फरमा देने ना 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 मेरे सोने खलील قال لا ينال عهد الظالمين कोई वादा नहीं जालमा नाल मेरा कोई कोई वादा नहीं जी जी ला यनालो नहीं पहुंचदा है जी आहदी यानी ए असल दे अंदर आहदी ए मेरा अहद मेरा वादा फरमाया जालमा तक मेरा वादा नहीं जे पहुंचदा कोई वादा नहीं रिश्तेदार होवे है जी या ना होवे दूर दराज तो कोई आ जावे ते आके तौहीद तौहीद रब दी अपना लवे ते ओ भी इमाम उन्हें भी इमाम बना देंगा जड़ा मुशरक होएगा उहदे नाल मेरा कोई वादा नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह इतने इम्तिहानात इतनी आजमैशां उन्हां दे अंदर 100/100 नंबर लै करके कामयाब होने वाले अगर किसे दी सिफारिश करदे पए ने अल्लाह क्या सोने अल्लाह इनाम देंदा पे आए इनाम तो उस प्रोटोकॉल तो फायदा उठांदे होया हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम अर्ज करदे ने अल्लाह सोनिया व मिन ज़ुर्रियती अल्लाह मेरी औलाद नू में अल्लाह फरमाया ना 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 मुशरक बंदे दा अल्लाह दे नजदीक कोई मकाम नहीं। अल्लाह अल्लाह फरमाया सोनिया وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اللہ اکبر سونے اللہ نے بیت اللہ نو ثواب والی جگہ بنا چھڑے آئے گل سمجھا جی مثابتن دوسرا ترجمہ بار 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 لوٹنے دی جگہ ایک ویری دو ویری چار واری جاندہ ہے پہلے نالوں میں زیادہ اندر تڑپ پیدا ہو جاندی ہے تے کہندہ اللہ بار بار لے جا کئی بندے تے آخدے نے بابا جی سمسام ور گئے اللہ سونیا اونا گلیاں چی رکھ لویں اوتھے ہی موت دے دیویں میرے علامہ احسان رحمہ اللہ تعالی میرے عظیم قائد وی بقید قبرستان دے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی اونا دے قدمہ دی جگہ تے قبر اندر یعنی سیدنا عثمان مدفون نے تے اونا دے پیرہ وال کھڑے ہو کے دعا پہ کر دینے اونا دی شہادت تو بعد مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب ملتان والے اونا نے دسیا لوگو اے دیکھو جنانو اللہ نال پیارے جڑے توحید منن والے توحید بیان کرنے والے اللہ اکبر اُتھے کھڑے ہو کے دعا کر دے پہنے ادھے پونے گھنٹے دی دعا عبد المجید ندیم کہن دینے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اللہ اُنہ دی قبرتے رحمتہ دی برکہ برسائے جنہ نے پکی تے سچی بات کی تھی ہے کہن دینے اُتھے میں بھی نال چلا گیا بس پون گھنٹے تک عیسان لئی زہیر رون دے رہے رون دے رہتے کہن دے رہے اللہ تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے اپنے اس گناہگار خطاکار کو بھی ادھر تھوڑی سی جگہ عطا فرما دے جس جگہ پہ کھڑے ہو کر کے دعا کی اللہ نے اسی جگہ پہ
कबर बनने की, उसी जगह पे दफन होने की तौफीक अता फरमा दी। आहा अल्लाह अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या आजमत, क्या शान, सुभान अल्लाह। तौहीद वाले दी बड़ी अजमत है। अल्लाह कहता है सोनिया इस घर नू असी बना दिता है, वह इस जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास व अमना। बार बार लौटने की जगह, क्यों जी रजदा बंदा उठे जाग, अल्लाह सारी जिंदगी जानदा रवे, भावे जनाब 20-30 बारी चला जावे, क्यों जी बंदा कहंदा फिर मैं अगले साल जावा, दिल करदा बार 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 बार। अल्लाह ने दिलां दे अंदर वो कशल जो पैदा कर दीती है, फिर नाल फरमाया हुआ अमना, अमन वाली जगह बनाया है, उथे जाके कोई किसे दुश्मन का खौफ नहीं रहिंदा। वाह, बस अल्लाह नाल तालक जुड़े हुए, क्यों जी कैसा तालक जुड़ता है, सुभान अल्लाह। क्यों अल्लाह दियां रहमतां वसदियां ने अमन वाली जगह जो हुई, अल्लाह फरमाया लोगो उत्थे जाना ते वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। मुकाम इब्राहीम उन्हूं आख्या जांदा है, आहा जिस पत्थर ते खड़े हो करके सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह दियां दीवारां बनांदे रहे, राज बने हुए, मिस्त्री बने हुए, अल्लाह अल्लाह अकबर, बैतुल्लाह दियां दीवारां बुलंद करदे पै सन, उस पत्थर ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे पांव दे निशान भी अल्लाह ने रकम कर छड़े। अजे तक भी आसानी नाल जाण वाले मुकाम इब्राहीम अंदर वो निशानात वेख सकदे ने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस जगह ते खड़े हो के अल्लाह दे घर दियां दीवारां बुलंद करन, अल्लाह सोने ने उस नूं जाए नमाज बना छड़िया। अल्लाह फरमाते ने पकड़ो वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, जाए नमाज पकड़ो, थे तवाफ करके फेरियां पाके सत चक्कर लगा के फिर मुकाम इब्राहीम दे कोल जिथे किथे आसानी नाल जगह मिल जाए उथे दो रकत नमाज अदा करो। अल्लाह करीम ने फरमाया सोनिया वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, असी वादा लिया अपने इब्राहीम कोलो इस्माईल कोलो, गल समझण वाली है, की वादा लिया अल्लाह, अत्तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल्आकिफीन वल्आकिफीन वर्रुक्का सुजूद। फरमाया मेरे इस्माईल मेरे इब्राहीम बाप बेटे दोनों अल्लाह दे नबी ने, ते नबियां को वादा लिया जा रहे, इतने नेक लोग इतने पाक लोग, वादा की लिया जा रहे इरादे ते जबर नहीं अगे अलग भी है, जबर तो अगे अलग भी है, यानी तस्निया आवाज थे कि दोनों की ड्यूटी है तवाफ करने वाले वास्ते, इतकाफ बैठन वाले वास्ते, रकूत सजदे करने वाले वास्ते मेरे घर नू पाक साफ रखना है, खादिम बन के रहना है, सफाइयां आप करया करो। अल्लाह ने वादा लिया मेरे इब्राहीम तू भी मेरे घर का खादिम है। वाह जी वाह,
इस्माइल तू ही वादा कर मेरे घर दा खादिमे, बाप बेटा अल्लाह दे घर दे मस्जिद दे खादिम बन गए। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा इजाज के नबिया की सुन्नत है। अल्लाह दो नबिया को बाप बेटे को वादा ले रहे है, तुसी मेरे घर दा खादिम बनना। जे कोई बंदा बड़ा चौधरी बड़ा खड़पैंच बहुत बड़े ओहदे वाला अगर मस्जिद की सफाई नू या मस्जिद खादिम नू तौहीन अमेज नजरां नाल वेखे, मस्जिद खादिम नू एवें ही समझे साडा मुलाजम है। सोनिया ना ना ना, खादिम सौ रख मस्जिद दे अंदर, लेकिन तू मस्जिद दा नमाजी है, कदी तू ही झाड़ू फेरे आकर। नबिया की सुन्नत है, मस्जिद दा अमीर है, मस्जिद दी इंतजामिया है। इंतजामिया नहीं, तू को चौधर वास्ते सारा कुछ करना है। ना ना, नमाजी है आम हकीकत बात है। तुसी कहोगे कारी साहब तुसी भी ये काम करते हो, सुनिया जी जी हाँ जी हाँ सुनिया। अगर मैं इत्थे करीब रहा तो मैं इंशाल्लाह अगर टाइम लगे ये वखाण फिर वखावा ही हो जाना ना। हाँ, लेकिन अल्लाह जदों टाइम देवे तो नबिया की सुन्नत से अमल करीदा है। सुनिया आ जाया कर, अल्लाह अपनी मस्जिद दे खादम दे नाल लग के मस्जिद नू धोया कर, मस्जिद दिया सफाइयां करया कर, जाले उतारया कर, मस्जिद अंदरों मट्टी साफ करया कर, सफा झाड़या कर। सोने तू तो नबिया का पैरोकार बन जाएगा, नबिया की सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाला बन जाएगा। इस वास्ते अल्लाह करीम ने फरमाया الطائفين والعاكفين والركع السجود, तवाफ करने वाले, इतकाफ करने वाले, रुकू और सजदे करने वाले वास्ते मेरे घर नू नबियों पाक साफ रखना है। وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا, حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن کہنے لگے میرے اللہ سونے رب اجعل هذا بلدا آمنا, اللہ سونے इस घर नू यानी बैतुल्लाह फिर दे बैतुल्लाह खड़े ने, अल्लाह इस घर नू अमन वाला बना दे। अल्लाह फरमाया तेरी ए भी कबूल, नाल फरमाया अर्ज कर दे वारज़ुक अहलहु मिनस्समरात मन आमन मिनहुम बिललाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह इथों दे रहन वालिया नू रिजक देवी ते फला चो रिजक देवी। किन्ना तो ईद वालिया दा कहंदे ने अल्लाह देवी उन्हां नू मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जेड़े अल्लाह ते ईमान लियाने वाले होण, बैतुल्लाह दे मक्के दे रहन वाले, अल्लाह तेरे ते ईमान ले आने वाले होण, आखरत ते ईमान ले आने वाले होण। अल्लाह फरमाया वमन कफरा फउमत्तिउहु क़लीला, फरमाया नहीं नहीं सोनिया तेरी दुआ सारिया दुआवां अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, ए दुआ अल्लाह ने कबूल ते फरमाई मगर तरमीम नाल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा मकसद की है, कहंदे ने मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, एदा कहने दा की मतलब है, अल्लाह ईमान वालिया नू देवी बेईमाना नू ना देवी, मुसलमाना नू देवी अल्लाह काफरा नू ना देवी, ईमान वालिया नू मुवाहदा नू देवी अल्लाह मुशरका नू ना देवी, ये मतलब
कबे मुशरका नू रिज़क देगा तेरा काबा बर्बाद कर देंगे, तेरा काबा पलीत कर देंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया ना 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 मेरे खलील, قال ومن كفر فأمتعه قليلا। सोनिया काफरां नूं भी रिज़क देवांगा, मुशरकां नूं भी देवांगा, ईमान वालियां नूं भी देवांगा, बेईमानां नूं भी देवांगा। क्यों? जो मैं रब्बुल मोमिनीन ही नहीं हां, मैं रब्बुल मुस्लिमीन ही नहीं हां। अल्लाह कहंदा मैं ते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह कहंदा मैं ते सारे जहाना दा रब हां। रहमान दी सिफत दा इहो ही माना है। क्यों जी? काफरां नूं दित्ती जांदा है नींद दी हालत भी। अल्लाह नूं गालां कढ़न वाले नींद दी हालत नहीं अल्लाह ने उन्हां तो खोई। क्यों जी? अल्लाह अल्लाह अकबर। काफरां नूं भी देवांगा, बेईमानां ते मुशरकां नूं भी देवांगा, लेकिन वो थोड़ा जा फायदा, मतलब कि दुनिया का फायदा है, दुनिया का फायदा तो बड़ा नाम है ना, थोड़ा जा फायदा उन्होंने पहुंचेगा। क्यों? जो मेरी रहमानी की सिफत है। रहमान इसे बात आखते ने जेड़ा काफर ते गाला कढ़ने वाले रब नाल शिरक करने वाले रब की औलाद ठहराने वाले भी अल्लाह ओदा भी रिजक नहीं बंद करता, ओदी भी नींद वाली कैफियत अल्लाह नहीं खोंदा, अल्लाह उन्हें भी देता है। अल्लाह अकबर। लेकिन ओदा जेड़ा फायदा बहुत थोड़ा दुनिया के अंदर। सुम्मा अज़तरहु इला अज़ाबिन्नार, फिर असी उन्हें अग की तरफ झोंक देंगे, अग की तरफ ले करके जावांगे। वबिसल मसीर, वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। वाह अल्लाह दे पे कहने अल्लाह साड़ियाँ कमजोरियां बने ना वेख। अल्लाह सोनिया साड़ियाँ अर्जा अपनी रहमत नाल कबूल फरमा ले। वाह जी वाह। ऐ जी अल्लाह साड़ियाँ कमजोरियां नूं नज़रअंदाज फरमा के साड़ियाँ दुआवां ए तकब्बल दा माना है। अल्लाह तू सुनने वाला जानने वाला है, साडे दिल दे इरादियां नूं भी जानना है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक। अल्लाह 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 सोनिया सानू अपना मुती ते फरमा बरदार बना के रखी। वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। अल्लाह साड़ी औलाद विचो एहो जी उम्मत पैदा फरमाई। व अरिना मनासिकना व तुब अलैना। अल्लाह सानू हज दे तरीके सिखा दे, तेरी तरफ असी रजू कर दे पए हां। इन्नका तत्तवाबुर रहीम। अल्लाह सोनिया तू तौबा कबूल करने वाला बड़ा ही मेहरबान रहीम है। अगले थोड़ियां जी दुआएं छड़ के अल्लाह ने फरमाया इस वास्ते वक्त ते फिर बहुत ज्यादा लग जाएगा, मैं अपने टारगेट तक पहुंचता नजर नहीं आता। अल्लाह करीम ने फरमाया इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम। अल्लाह फरमाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे रब ने कहा सोने खलील असलिम, उती हो जा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये नहीं आखदे अल्लाह सुने इन्ने ने इम्तिहान आए, इन्ना कुछ किया तेरे वास्ते, अजे भी मैं मुती नहीं, अजे भी तेरा फरमा बरदार नहीं। इतने माड़ा जा अमल करके ना बंदा संभालिया नहीं जाता, संभालिया नहीं जाता है। ये वेखो नेकियां नेकियां सारी जिंदगी का लम्हा लम्हा नेकी च गुजरिया, लेकिन अल्लाह कहंदा सोने
मुती हो जा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा देने अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरे रब्बुल आलमीन वास्ते मैं मुती हां फरमा बरदार हां। अलगरज में दस तेरे आसा सुने ये भी ते मुकाम आया है मुवाहदाना किरदार सुनने वाले हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे बारे अंदर अर्श वाले ने आप इलान फरमा के आखे है अलंग तवाजी हाजा इब्राहिम फी रब्बी إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك। अल्लाह फरमाया क्या तुसी उस बंदे नू नहीं वेखिया के जिन्ने इब्राहिम दे रब दे बारे अंदर इब्राहिम नाल झगड़ा कीता। नमरूद मुनादरा ये मुनादरे का तज़किरा है, झगड़ा झगड़ा कहता कितने तेरा लैके आ रब अपना है जी मैं सारा कुछ मैं करना मैं तेरा रब हाँ। अल्लाह अकबर नमरूद कहता है अल्लाह ने फरमाया उस बंदे बल्ले नहीं वेखिया जिन्हें झगड़ा किया है इब्राहिम दे रब दे बारे दे अंदर इब्राहिम नाल है जी माना है दा इब्राहिम दे रब दे बारे अंदर इब्राहिम नाल झगड़ा किया हाजा इब्राहिम फी रब्बी ही ईद जमीर इब्राहिम वाल जा रही है इब्राहिम दे रब दे मा रब दे बारे दे अंदर इब्राहिम नाल जिस बंदे ने झगड़ा किया है क्या उन्हें नहीं जानते कि अल्लाह ने उन्हें बादशाही अता फरमाई बादशाही रब ने दिती है ते रब आप बन बैठा। अल्लाह माफ फरमाए है जी मुनाजरा शुरू हो गया इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ नमरूदा मेरा रब ओ है जेड़ा जिंदा भी करदा है ते मारदा भी है यानी मौतो हयात दा मालक मेरा रब है। कहंदा है काम मैं भी कर लेना उन्हें साफ किया कहंदा है नमरूद कहंदा अना उही व उमीत कहंदा है काम मैं भी कर लेना ये काम की है केड़ा काम भला इधर वेखना मेरे वाल वेखना जनाब है जी ये काम की है भला जरा नमरूद कहंदा मैं भी कर लेना मारन दा ते जिंदा करन दा। एक बंदे नू फांसी लगनी सी उन्हें छड़ दिता तो एक बंदा एवें ही फड़ के फांसी चढ़ा दिया मैं मार भी दिता जिंदा भी करता हालांकि ये उदा जवाब बनता बोलो बनता बनता नहीं सी लेकिन मुवाहद एक जगह से अड़ता नहीं वो दलाल की कमी होड़े क्यों जी दलाल दे अंबार होंगे ने पिछे स्टाक मौजूद हों दलाल का सुबहान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा देने कुरान कहता है काला इब्राहिम फइन्नल्लाह यअती बिश्शम्स मिनल मशरिक फअती बिहा मिनल मगरिब कहता है मेरा रब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा देने मेरा रब वो है जड़ा मशरक वल्लो सूरज तुलू करदा है ते मगरब वल्ले गुरूब करदा है। आहा हजरत इब्राहिम अलैह सलाम की कहते ने किसी ने तर्जमा किया है कि चढ़ दे तो मेरा रब चाड़े सूरज ते लेंदे वल उतारे तू लेंदे तो चाड़ दे सूरज तू जितया असी हारे इतनी गल कर दे ना फबू ही तल्लजी कफर काफिर हक्का बक्का रह गया मबहूत हो गया काफर कोई जवाब ना आया ठिठर करके रह गया समझ आई ना हक्का बक्का हो गया मबहूत हो गया ठिठर करके रह गया ठिठर ठिठर करके रह गया कल समझ आ गई
अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह जी जी वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन। अल्लाह करीम जड़ी जालमा दी कौम है उन्हें हदायत नहीं दिता कर दे। अलगरज जड़ी बात करने वाली है सोने जी ऐसे ऐसे तरीके नाल मैं अर्ज़ कर रहा सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे बरगुजीदा पैगंबर उन्होंने जनाब अल्लाह दे दीन दा होका इवें दिता है। इधर वेखो मुवहदाला किरदार सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा मैं वो सूरा अंबिया दा रुकू सीरत इब्राहीम दे अंदर बयान करांगा। हुण मेरे कोल वक्त नहीं। पहली आयत पढ़ी अल्लाह ने फरमाया वलकद आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन कबल। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू छोटी जी उम्र अंदर यानी पहले तो यानी लड़कपन अंदर ही अल्लाह ने रहनुमाई और जनाब सीधी राह ओदी अल्लाह ने हदायत दे छड़ी रहनुमाई अता फरमा छड़ी पहले तो रुश्त रुश्त। अल्लाह कहंदे ने वकुन्ना बिही आलिमीन असी पहले ही जानदे सां कि मेरा इब्राहीम इन्ना इस इजाज दे रुशद दे हदायत दे लायक है। अल्लाह जिहड़ा लायक होवे उन्हूं हदायत दिंदे ने जी जी। इधर वेखना सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे बारे अंदर कुरान बोले आजे वइज क़ाला इब्राहीम लिअबीही आज़ारा अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अब्बे आज़र नूं आखदे ने अब्बा बाबा इन्हां दी पूजा करदे हो जिहड़े खुदा खुद खड़े होए पत्थरां दे इलाह बनाए हुए ने इन्हां नूं पूजदे हो बुत्तां नूं पूजदे हो। बाबा गल समझ च नहीं आंदी ए बुत्तां दी पूजा करदे हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आखदे ने इन्नी अराक व कौमक फी ज़लालिम मुबीन। कहंदे ने मैं तुहानू ही बाप नू कहंदे ने अब्बा जी तैनू भी गुमराही दे अंदर वेखना ते सारी कौम नू गुमराह वेखना गुमराही ते चल रही है। अल्लाह फरमा देने चंद निशानियां इब्राहीम नूं असी जमीन ते आसमाना दे अंदर हां जी ओ विखाइयां। फलम्मा जन्ना अलैहि लैल रआ कौकबा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वेखदे ने एक सितारा चमकदा होया सितारा रोशन हो गया सितारा रूनमा होया। कल रब्बी मेरा रब तुसी नहीं मेरे ख्याल समझ पाए सारे नहीं समझे है मेरा रब की मतलब ये नहीं क्या क्या मेरा रब नहीं आहाजा रब्बी असल है हमजा इस्ते इस्तफामिया महजूफ है छुपया महजूफ दा मैं ना पोशीदा है। है जी इस्तफामिया सवालिया है जी वो पोशीदा है असी ए, 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 काम इस तरह करी क्यों जी सवालिया अंदाज है कि नहीं सवालिया ए काम इंज करी दा है जी इसे तरह सवालिया अंदाज नाल पुछदे ने ये नहीं। कई लोग कहते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले जी सितारियां नूं रब मन्या फिर जनाब चंद नूं रब मन्या सूरज नहीं नहीं ओ फलसफा गलत है गलत तशरीह है दी तफसीर है। इधर वेखो असल दे विच हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आखदे ने आ हमजा मफहूम इहदे अंदर मौजूद है कहंदे ए मेरा रब ए मेरा रब ऐ अंदाज। बाप ने आख्या हाँ का बेटा है वो ही तेरा रब है। कहंदे ने चलो मैनू रब नहीं मानता अपनी अम्मी नू रब नहीं मानता। दास्ताना ते लबियां ने पहले मां नू कहंदा अम्मी अम्मी भला मेरा रब कौन है कहंदी है मैं जू हाँ तेरा रब अम्मी तेरा रब फिर कौन
तेरा बा आजर मेरा रब ते तेरा रब, अम्मी ओ भी ते साडे जा बंदा है, अब्बा मेरा ओदा रब कौन है? कहंदी है साडा सारिया दा रब नमरूद बादशाह। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम कहंदे ने अम्मी ओ भी ते आखर साडे जा बंदा है, ओदा रब कौन है? मां कहंदी है इब्राहिम के हो जे सवाल करन लग गए है, तेरी तेरे अब्बाबे नू घर आण दे मैं शिकायत ला देंगी। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम फरमांदे होणगे अम्मी अजे एक कोई सवाल किया शिकायता लावण तैयार हो गई है, हुण बाबे नाल सवाल हो रहे ने। ये सवालिया अंदाज है, सितारा वेखिया ते कहंदा बुआजा रब्बी ए मेरा रब्बे। बाप कहंदा हाँ चलो उधर नहीं सानू नहीं मानता इनू ते मन्या ना, एक रब की गल नहीं करता। फलम्मा अफला जदो सितारा डूब गया कहंदे ने قال له حب الافلين कहंदे ने अबू जेड़े डूब जाण रब नहीं हो सकदे। فَلَمَّا الْقَمَرَ بَازِغًا قال هذا ربي जो चन वेख्या ना कहंदे ने रोशनियां लेके निकला ऐ मेरा रब्बे, वो भी डूब गया। फलम्मा अफला चन होरी भी डूब गए, फौरन कहंदे ने قال لئن يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين। वाह वाह, जे रब मन दे उनू ते फिर ए अगला बात इको ऐत अंदर इको साज किवें कर देता। कहंदे ने जे मेरा रब मैनू हदायत ना देवे ते मैं ते गुमराह विच हो जांगा। ला इल्लम यहदीनी रब्बी जे तर्जमा फलम्मा रा शम्स बाज़िगतन قال هذا ربي عاد اكبر। कहंदे ने ऐ रब्बे सूरज वेख्या ना, कहंदे ने वड्डा रब है ना, ए वड्डा रब है ना, ए मेरा रब है ना वड्डा। ए अंदाज फलम्मा अफलत जदों सूरज भी गुरूब हो गया, खुल खुला के बोले अपना माफी जमीर बयान कीता, तौहीद बयान कीती, ये किरदार वेखो ना कैसा। कहंदे قال يا قوم إني بريء مما تشركون। कहंदे ने कौम मैं बरी हाँ, ए जरा तुम शिरक करते हो ना, मैं शिरक तो बरी हाँ। मुबादला किरदार इंजदा अदा किया, बाप नू मौका मिल गया, कहंदा बेटा ना तो तू अपनी अम्मी नू रब मन्ने, ना मैनू अपना रब मन्ने, ना नमरूद नू रब मन्ने जनाब, हाँ जी ना चंद ते सूरज ते सितारिया नू रब मन्ना है, दस हूँ तेरा रब कौन है? मुबाहिद नू अल्लाह ने मौका अता फरमाया, कहंदे ने इन्नी वज्जतु वजही لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ। कहने ने बस मैं अपने आप नूं ओदे मुती कीता है, ओदा फरमा बरदार बना लिया है। इन्नी वज्जतु वजही लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द हनीफा। कहंदे ने मैं अपने आप नूं उस ज़ात दे मुती कीता है जिन्ने ज़मीन ते आसमान जू इक्को जिहा बनाया है। किधरे डिंग नहीं, किधरे सुराख नहीं, क्यों जी
किधरे दाग ते धब्बा नहीं, वाह जी वाह, किधरे टेढ़पन नजर नहीं आंदा, वाह जी वाह, इको जिहा बनाया मैं अपने आप नूं, ओदे मोती कर छड़िया है, नाले फिर ऐलान कर देने, ओ मैं अना मिनल मुशरिकी।